Morning, class 6. This is your English language class, and this is your third video, in which I am going to tell you about the sentences, that how to recognize that a sentence is optative, exclamatory, imperative, or interrogative. Okay, so open your book and page number 7. In which you will find your first exercise, exercise number A, name the kinds of sentences. जो sentence दिए हैं आपको बताना है कि किस type का sentence है, कौन सा sentence है. Okay? तो पहला question है the costs are rising. Costs are rising. मतलब ये sentence हमें बता रहा है कि किसी चीज का जो दाम है वो बढ़ रहा है. तो ये हमारा हो जाएगा declarative sentence. देखिए, ध्यान से देखिएगा declarative sentence. क्योंकि ये declare कर रहा है किसी चीज की cost के बारे में. May death lay his icy hand upon you. ये हमारा आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में may होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये पंक्चुएशन मार्क मिलेगा तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है. तो सेकेंड वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. थर्ड देखिए, द जनरल वॉज लीडिंग हिज सोल्जर्स. जनरल जो है अपने सोल्जर्स को लीड कर रहा था. ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. द सेक्रेटरी एंड द पोएट इज डेड. अब देखिए, सेक्रेटरी और पोएट डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं. इसका मतलब ये सेंटेंस हमें डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है उनकी कंडीशन के बारे में. तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा. वॉज मोहन प्रेजेंट विथ हिज पेरेंट्स. अब ध्यान से देखिएगा हमारे लास्ट फिफ्थ नंबर के सेंटेंस को, कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब है कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और साथ ही साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वो सबसे पहले है सेंटेंस में. तो दैट मीन्स कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. उसके बाद देखिए, व्हाट अ ग्रेट डिस्क्यूज दैट इज, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है. गो एंड फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमें ऑर्डर दे रहा है, जाओ और एक ग्लास पानी ले आओ. तो ये ऑर्डर दे रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा. क्योंकि जिस भी सेंटेंस में हम देखते हैं कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो या फिर कोई हमें सजेशन देता है, कोई एडवाइस देता है, ये हमारा हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा. द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल. एलिफेंट एक बड़ा जानवर है, सबसे बड़ा जानवर है. तो ये डिक्लेयर कर रहा है एनिमल के बारे में, तो ये हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाइन नंबर देखिएगा, प्लीज गिव मी सम वाटर, रिक्वेस्ट कर रहा है. प्लीज एक रिक्वेस्टिंग वर्ड है, तो ये हमारा फिर से हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. उसके बाद इज रिहाना योर कंपेनियन. फिर देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब इज सबसे पहले लगी हुई है सेंटेंस में. तो वंस अगेन हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रिकॉग्निशन है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, या तो डब्ल्यू एच वर्ड आता है, और सेंटेंस के एंड में जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है. तो आप लोगों ने देख लिया, एक्सरसाइज नंबर ए अब कंप्लीट होती है. एक्सरसाइज नंबर बी, हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है. ठीक है, तो पहले आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बी सी डी और ई एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो.